प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के पिछले तीन भागों में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन व्रत के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन चूंकि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था, अपने दीपक आप बनो, इस कारण बौद्ध धर्म में समय समय पर बहुत सारी विचारधाराओं का जन्म हुआ, या यूं कहें कि आपस में बौद्ध संघ में बहुत सारे मतभेद हुए। चार बौद्ध संगीतियां बुलाई गईं, जिनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि बौद्ध धर्म के मतभेदों को दूर कर दिया जाए। किंतु चौथी बौद्ध संगीति में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो इस प्रकार से है। हम देखते हैं कि हीनयान में आध्यात्मिक साधना हेतु भिक्षुक जीवन अनिवार्य है, जबकि महायान में साधारण उपासक और गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अंतर है इनके बीच में कि हीनयान का साधना मार्ग कठोर है, जबकि महायान के सिद्धांत सरल हैं। हीनयानी बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानते हैं, जबकि महायानी उन्हें अति मानवीय या अवतार भी मानते हैं। हीनयानी बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते, जबकि महायानी बुद्ध को बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं, अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्मों में विश्वास करते हैं। हीनयानी मूर्ति पूजा नहीं करते तथा बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों जैसे बोधि वृक्ष, धर्म चक्र इत्यादि का उपयोग करते हैं, जबकि महायान में महायानी बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त हीनयानी स्वयं के प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति प्रयत्न करेगा उसी को मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन महायान यहाँ कुछ डिफर करता है और वो ये कहता है कि चूंकि जो अरहत है उसमें इतनी करुणा है कि अब वो अपने साथ अपने साथियों के मोक्ष की भी चिंता करता है और स्वयं बुद्धत्व के लिए अग्रसर नहीं होता, वो ये चाहता है कि उसके साथी भी उसके साथ मोक्ष प्राप्त करें, जबकि हीनयानी कहते हैं कि स्वयं के प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त एक अंतर इन दोनों संप्रदायों में ये है कि हीनयान में मोक्ष का साधन सत्कर्म और नैतिक जीवन को माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध की उपासना करके भी मोक्ष मिल सकता है, यानी बुद्ध की भक्ति की आपने तो भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, यानी ध्यान को और सदाचरण को महत्व देता है, जबकि महायानी करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। हीनयान में दुखवाद, अनित्यतावाद और अनात्मवाद को माना गया है, जबकि महायान इन सिद्धांतों के साथ साथ इसमें शून्यवाद को भी जोड़ता है। हीनयान के जो ग्रंथ हैं बाली भाषा में लिखे गए हैं और महायान के जो ग्रंथ हैं वो हमें संस्कृत भाषा में लिखे मिलते हैं। इसके बाद हीनयान का प्रसार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हुआ, जबकि महायान का प्रसार एशिया के उत्तर पूर्वी देशों के अंदर हुआ है। तो इन दोनों संप्रदायों में ये मुख्य मुख्य अंतर है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसार एक साथ आरंभ हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ, बहुत ही अधिक संख्या में इसके अनुयायी बने, जिसके क्या कारण रहे, जिसमें पहला कारण रहा कि ये एक सरल और व्यवहारिक धर्म था, जिसमें किसी भी पंडित की, पुरोहित की, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने इस धर्म का पालन स्वयं अपने आचरण से कर सकता था।
दूसरी बात है कि ये आडंबर पूर्ण नहीं था, केवल नैतिकता का पालन कीजिए और आपका जो धर्म पालन है वो हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें जाति प्रथा को कोई स्थान नहीं था। यही कारण था कि इसमें मात्र उच्च वर्ग नहीं, समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्होंने सबने इसका पालन किया। जबकि हम देखते हैं वैदिक धर्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो को ही महत्व प्राप्त था, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों को, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई रोक टोक, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो आ सकता था और इसमें संघ में प्रवेश पा सकता था। इसके अतिरिक्त लोक भाषा पाली का प्रयोग किया गया। वैदिक धर्म के अंदर संस्कृत जो है वही क्लासिकल लैंग्वेज थी, शास्त्रीय भाषा थी, और संस्कृत में ही सारे मंत्र होते थे, ब्राह्मण संस्कृत का प्रयोग करता था और जन सामान्य चूंकि उस भाषा को न समझ पाता था न प्रयोग कर पाता था, इसलिए भयभीत रहता था। लेकिन यहाँ बुद्ध ने अपने उपदेश लोक भाषा में दिए जो जनता को बहुत आसानी से समझ में आए। इसके अतिरिक्त वो जो उपदेश दिए गए वो बहुत ही सुबोध और रोचक थे, कहानियों के माध्यम से, वृतांतों के माध्यम से, इनके माध्यम से बुद्ध ने उपदेश दिए तो जनता को आराम से समझ में आए। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उत्साह से धर्म का प्रचार किया, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रचार करने के लिए वो नहीं हिचकिचाए। स्वयं राजा जो अशोक थे उन्होंने स्वयं अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संगमित्रा को विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। केवल मात्र वर्षा काल के 4 माह छोड़कर बाकी 8 महीने भिक्षु निरंतर प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। इसके अतिरिक्त जो बुद्ध का व्यक्तित्व था बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली था, जिससे लोग उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे और उन धर्म को अंगीकार करते थे। इसके अतिरिक्त राजाओं की एक हमें श्रृंखला मिलती है जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, जैसे बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, प्रसेनजीत हैं, उदयन हैं, ये सब तो बुद्ध के समकालीन ही थे और स्वयं भी बुद्ध के निकट आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त अशोक हैं, कनिष्क हैं, हर्ष हैं, ये भी बड़े राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया अपना। इसके अतिरिक्त इस धर्म का जो मध्यम मार्गी होना है, ना तो ये शारीरिक कष्ट पर बल देता है और न ही ये विषय विलास पर देता है, तो इसका जो मध्यम मार्ग है उसे अपनाना जनता के लिए बहुत ही आसान था। इस कारण भी इस धर्म का प्रसार बहुत अधिक हुआ। फिर 4 जो बौद्ध संगीतियां हैं उन्होंने भी इस धर्म को के मत विभाजन को रोकने और इसका प्रचार प्रसार करने, साहित्य का निर्माण करने, संकलन करने आदि में बहुत बड़ा योगदान दिया। बौद्ध धर्म में जो लचीलापन है और जो समयानुकूल इसमें परिवर्तन होता रहा, उसके कारण जो इसके अनुयायी थे उन्हें धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि वो बौद्ध धर्म जो बहुत ज्यादा संख्या में भारत के अंदर फैला वो अपनी जन्मभूमि से ही लुप्तप्राय हो गया। जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या यद्यपि कम थी लेकिन जैन धर्म फिर भी हमें भारत में मिलता रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म काफी समय तक से लुप्त प्राय सा ही हो गया है। ये तो अब थोड़ा रिवाइव हो रहा है लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ से लुप्त हो गया, ये बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो यही रहा कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। बौद्ध संगीतियां यद्यपि की गई थी मतभेद रोकने के लिए लेकिन फिर भी मतभेद दूर नहीं हुए और इनके विभाजन, इनकी आपसी लड़ाइयों के चक्कर में जो धर्म का प्रभाव था वो खो गया। फिर राजकीय संरक्षण में कमी आ गई क्योंकि अशोक के बाद बीच में हम देखते हैं शुंग शासक आते हैं, कनिष्क के बाद गुप्त शासक आते हैं और उन्होंने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। इससे भी बौद्ध धर्म जो है वो उसके लुप्त होने का एक कारण बन गया। फिर बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन हो गया क्योंकि जब बहुत ज्यादा राजकीय अनुदान दिए गए थे उसके कारण विलासिता प्रवेश कर गई
भिक्षुणियों का जो संघ में प्रवेश हुआ उससे अनाचार बढ़ने लगा, संघ व्यवस्था के अनुशासन में शिथिलता आने लगी। हमने पढ़ा था कि महासांघिक जो है वो नियमों में ढील की बात करते हैं। धीरे धीरे ये चीज बहुत आगे चलती रही और अनुशासन में शिथिलता आने से बौद्ध भिक्षुओं का अंदर नैतिक पतन हुआ, जिससे जो जनमानस के ऊपर उनके आदर्श जीवन की छाप पड़ी हुई थी वो धूमिल हो गई। फिर हम देखते हैं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिसमें शुंग वंश और गुप्त वंश तो था ही, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे संत हुए वैदिक धर्म के जिन्होंने स्वयं वैदिक धर्म में सुधार की बात की और शास्त्रार्थ के माध्यम से बौद्ध आचार्यों को पराजित कर उनकी छवि जो है वो थोड़ी धूमिल की। जैसे शंकराचार्य हैं, कुमारल भट्ट हैं, रामानुज हैं, वल्लभाचार्य हैं, इन सुधारकों ने धार्मिक गोष्ठियां, वाद विवाद आदि के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त राजपूतों का उत्थान होने लगा 7वीं शताब्दी के बाद से, जिन्होंने स्थान स्थान पर अपने राज्य स्थापित करना आरंभ किया। लेकिन जो लोग राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो अहिंसा का पालन करके तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उनके द्वारा अहिंसा और बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं वो तोड़े गए और इससे भी बौद्ध धर्म जो है उसका लुप्तिकरण हुआ। संघ में स्त्रियों का प्रवेश, हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं, स्वयं बुद्ध ने भी इस बात को माना था कि संघ में स्त्रियों के प्रवेश के कारण ये धर्म शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा और वैसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का कि उसमें तंत्र ने प्रवेश कर लिया। बौद्ध धर्म के ये जो विभिन्न मत मतांतर हुए थे इसमें एक संप्रदाय बाद में उदय होता है वज्रयान का, तंत्रयान शुरू होता है, जिसमें तांत्रिक बुद्ध की कल्पना की गई और इसके साथ साथ तंत्र मंत्र सिद्धि और जिस तरीके की कपालिक क्रियाएं करते हैं उस प्रकार की क्रियाएं, ये सब भी बौद्ध मठों में होने लगी, जिससे वो जनता की पहुंच से बहुत दूर हो गए, जनता ने वहां जाना छोड़ दिया। एक कारण रहा हूणों और मुसलमानों का आक्रमण, उन्होंने यहाँ आए और जो बौद्ध विहार जो ज्ञान के केंद्र थे उनको और धार्मिक केंद्रों को नष्ट कर दिया। और इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कारण रहा भागवत धर्म का उदय, जो उतना ही आसान था, सरल था, लोगों के लिए मान्य था जितना कि बौद्ध धर्म। इसीलिए लोग भागवत धर्म की ओर आकृष्ट होने लगे और बौद्ध धर्म की ओर से लोगों का ध्यान हट गया। अब आते हैं हम उस टॉपिक पर कि बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में स्तूप हैं, विहार हैं, चैत्य हैं, मूर्ति कला है, चित्रकला है, गुफाएं हैं, इन सब के हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो उनमें से कुछ चीजें, कुछ जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप जो चित्र देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये सांची के स्तूप का है और इस स्तूप में आपको जो एंट्रेंस गेट दिख रहा है जिसके ऊपर ये तीन पट्टियां, अलंकृत पट्टियां लगी हुई हैं, ये क्या है? ये देखिए, ये जो तीन पट्टियां, ये तोरण द्वार है, इसमें घुसने का एंट्रेंस गेट है। और ये जो अंडाकार बना हुआ है इसको स्तूप कहते हैं, जो अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, अंदर से ये खोखला नहीं है, इसके अंदर नहीं घुसा जा सकता, बस ये ऊपर अंडाकार, जैसे नारंगी को आधा काट दिया हो, इस तरह की संरचना है। और इसके अंदर ये जो ऊपर आपको बॉक्स टाइप दिख रहा है जहाँ पे छत्र बने हुए हैं, ये देखिए, ये जो दिख रहा है छत्र बने हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ बौद्ध आचार्यों के जो अवशेष हैं उन अवशेषों को यहाँ के ऊपर रखा जाता था, यहाँ पे रखा जाता था। और चारों तरफ ये प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, जो आपको गैलरी सी दिख रही है, जो रेलिंग बनी है पत्थरों की, इसको वेष्टनियां कहते थे, इसके अंदर परिक्रमा करके जो भी बौद्ध उपासक हैं, भिक्षु हैं, वो जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चैत्य का है, आप देखिए चट्टान है, इस चट्टान को अंदर से खोदा गया है, आयताकार रूप में खोदा जाता था और फिर इसके अंदर ये देखिए, एक तरफ आपको चित्र दिख रहा है, अंदर जो कॉरिडोर बना हुआ है वो दिख रहा है और इधर जो गुफाएं वगैरह हैं, ये जो गुफाएं हैं ये देखिए ये दिख रही हैं, ये बने हुए हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते भी थे। और ये जो जगह है ये
इसके अंदर का भाग ये है। इसमें एकदम फ्रंट में स्तूप लग बना हुआ है और इसके सामने ये जो पंडाल जो है मंडप सा है, इसके अंदर बैठकर बौद्ध भिक्षु अपना ध्यान आदि ये सब जो है वो किया करते थे। तो ये चैत्य हैं जो ध्यान के केंद्र थे, विहार जहाँ पे भिक्षु आदि रहते थे, ये मूर्ति कला है। दो प्रकार की मूर्तियां इस काल में बनना शुरू हुई जो बौद्ध कला की देन है, एक है गांधार कला और दूसरी है मथुरा। गांधार में आप देखिए जो मसल्स हैं, जो उंगलियां हैं, जो नेत्र बनाए गए हैं वो बिल्कुल यूनानी तरीके से बनाए गए हैं। इसमें जो बाल हैं बड़े घुंघराले हैं, जिस तरीके से यूनानियों के होते हैं। और मथुरा कला जो है इसका लाल रंग का पत्थर है और इसके अंदर इस तरीके से उत्तरीय डाल रखा है, इस तरह अभय मुद्रा के अंदर उसका हाथ मिलता है और ये एक कला के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। इसके बाद आते हैं हम धर्म के क्षेत्र में। बौद्ध धर्म ने एक आडंबरहीन और सरल धर्म सबसे पहले भारत को प्रदान किया, जिसमें आचरण और नैतिकता पर बहुत बल दिया गया था। यही कारण था कि वैदिक धर्म के अंदर सुधार होने लगा और बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही तर्क शास्त्र में प्रगति हुई। क्योंकि बुद्ध का उपदेश था किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि कोई कह रहा है, आप स्वयं सत्य की खोज करो और सत्य की खोज के बाद आप स्वयं उस मार्ग पर चलो, तर्क करो। और इस तर्क की प्रगति जो हुई वो हमें उपनिषदों और आरण्यकों में भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं पाली भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया, बाद में संस्कृत भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया, जैसे जो तीनों पिटक लिखे गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके अतिरिक्त मिलिंद पन्हो है, जातक आदि ग्रंथ हैं, बुद्ध चरित है, सौंदरानंद, ललित विस्तर, महावस्तु, महापरिनिर्वाण सूत्र आदि ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए। बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों का चीनी और तिब्बती भाषा में भी अनुवाद किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो जो बौद्ध विहार है वो एक ओर तो साधना, संयम, आदर्श जीवन के केंद्र थे और दूसरी ओर शिक्षा देने के उत्तम माध्यम भी थे। नालंदा जो है उसका नाम ऐसे विहारों में बहुत प्रमुख है और हेनसांग यहाँ रुका था और उसका ये कहना है, अपनी उसने जो ग्रंथ लिखा है सीयू की, उसमें उसने बताया है कि नालंदा विहार का जो द्वारपाल था वो स्वयं भी इतना शिक्षित होता था कि यदि कोई ज्ञान अर्जन करने के लिए वहां आता था तो उसे पहले द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देना होता था, यदि दे पाता था तभी उसे विहार में घुसने की अनुमति प्राप्त होती थी। इसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों से भारत का बहुत ज्यादा संपर्क बौद्ध धर्म के कारण बढ़ा। बौद्ध भिक्षुओं ने भारत जाकर प्रचार किया। जो शक थे, पार्थियन थे, कुषाण थे, इन जातियों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया। बहुत सारे चीनी यात्री यहाँ पर आए और आज भी हम देखते हैं कि विश्व की एक तिहाई जनता बौद्ध धर्म और उसके आदर्शों में अपनी श्रद्धा रखती है। नैतिकता के क्षेत्र में बुद्ध नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। जनजीवन में सदाचार, सचरित्रता का विकास हुआ तथा विश्व के देशों में भी अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह अस्तित्व का जो आदर्श है वो बौद्ध धर्म के द्वारा बतलाया गया है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म आदि धर्मों का, जिसके अंदर समाज की समानता का बात की गई, बिना किसी भेदभाव के ये कहा गया कि कोई भी संघ में प्रवेश ले सकता है, हरेक को मोक्ष का अधिकार प्राप्त है, इस तरीके की बात की गई, जो कि भारतीय समाज जो उस समय जाति प्रथा में जकड़ने लगा था उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और आधुनिक युग में हम देखते हैं हमारा जो राजचिन्ह है, जो चक्र बना हुआ मिलता है, जो हमारे झंडे पर है, हमारे सिक्कों विक्कों पे मिलता है, वो एक बौद्ध प्रतीक ही है, धर्म चक्र का प्रतीक है। और साथ ही साथ जो हमारा पंचशील सिद्धांत हमारी विदेश नीति में लिया गया है वो भी बौद्ध धर्म से ही प्रभावित है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को बहुत योगदान दिया है और हम इस धर्म के योगदान को भुला नहीं सकते।